बिजली ओप्पो आ गई। बारिश बहुत तेज हो रही है, आंधी तूफान भी ठीक ठाक आ रहा है। अभी बैठे हुए वेट कर रहे हैं थोड़ा सा बारिश। भाई शबाब फिर ध्यान रखे, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी। चल आएगा तो फिर दिल्ली होके जाइए, जब बाहर जाएगा नहीं निकलना आज। चलो देखते हो ऊपर जाके अगर कुछ दिखा सूरज थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी दिखा दूंगा, वरना भाई छोड़ो फिर नेक्स्ट टाइम। नरतोली सॉरी कुमेल डुबकी मारेगा, तैरना आता है किसी को? मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई आ रहा है? बहुत सारी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के आऊँ, बहुत सारी थक गया। पशु गंगा धाम आश्रम लेफ्ट साइड में जगह, इधर क्या तूने जीन्स गीली कर ली अपनी? यार कह रहा है इधर ओप्पो आंखों में गिर गया, आंखों में लग रहा है, इतना खतरनाक रास्ता है, सुनसान बिल्कुल। कुमेल भाई कुत्ते को बिस्किट भी खिला रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो भाई लोग और उनकी बहन लोग, तो क्या हाल चाल है आपके? तो गाइस आज सोच रहा हूँ गाड़ी से व्लॉग कैसे स्टार्ट हुआ है, और देख लो गाड़ी से व्लॉग इससे स्टार्ट हुआ, कुमेल भाई मेरे साथ है। ये मुस्कान देख लो इनकी तुम, बस हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए, घर वालों ने निकाल दिया ऋषिकेश के लिए, मतलब वैसे निकाला। और ये भाई शबाब बैठे पीछे हमारे, तो अभी हम जा रहे हैं, पहले तो लक्ष्मी नगर जा रहे हैं, हमारे प्रधान जी उठाते हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम, यहाँ से फिर चलेंगे ऋषिकेश, आपको ऋषिकेश का ब्लॉग दिखाते हैं अभी आपको पहले, ठीक है? इसे फेंकूँगा मुजफ्फरनगर, बाईपास चलेंगे भाई अपने पुराने अड्डे पर, चाय वाय भी ना, तो इसलिए आज गाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। अभी हम नोएडा पहुंच चुके हैं, अभी निकले हैं, रात के बज रहे हैं 11, तो हमने निकलने में हमें काफ़ी लेट हो गया वैसे तो, लेकिन काले चश्मे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलो गाइस चलते हैं फिर ऋषिकेश की, मतलब मज़े लेने, ऋषिकेश की मज़े लेने मतलब ऋषिकेश के सफ़र के मज़े लेने, ठीक है? अभी थोड़ा गाने वाने चला लूँ, वरना यार इसमें ना कॉपीराइट आ जाता वीडियो में मेरी, तो अभी जब हम निकलेंगे सफ़र में बताता चलूँगा आपको, लेकिन लोकेशन दिखाऊंगा आपको इस बार, आपके ब्लॉग बनाने का तजुर्बा हो गया यार, पहले था नहीं, पहले तो उल्टा सीधा इधर उधर कुछ भी दिखा दिया तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मेन मेन चीज़ दिखाऊंगा बढ़िया एकदम, मज़ा आएगा मेरे साथ। जा रहा हूँ मैं सिर्फ एक दिन के लिए, अब निकला हूँ रात को और कल रात को घर ही मिलूंगा, तो इसीलिए ये पूरा ब्लॉग देखना। और चलो मिलते हैं फिर इसी के साथ। फाइनली गाइस हम शिवा ढाबा पहुँच चुके हैं, अभी मुजफ्फरनगर रास्ते में। तुझे क्या हो रहा है? मौसम से डर लग रहा है, बिजली कड़क रही है इधर, मौसम हो रहा है ज़बरदस्त। थोड़ी सी भूख लग रही थी अभी, यहाँ थोड़ा बहुत खा के, ये देखो एक मिनट के लिए करो पूरा, आ नहीं रही बिजली, ओप्पो आ गई, हो गई कैप्चर, देख रहे हो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, बल्ब वगैरह सब हिल रहे हैं, कोई सा टूट के गिरे इससे पहले भाई, मैं तो चला ढाबे के अंदर, तुम्हारे हो क्या अंदर भाई? पढ़े लिखे स्टूडेंट बैठे चलो ये ढाबे पे आ गए, कुछ खाएंगे पिएंगे यहाँ थोड़ा सा। गाइस ये चेक करो कितनी खतरनाक आंधी आ रही है इधर मुजफ्फरनगर के रास्ते में, अभी तो हम मुजफ्फरनगर पहुँचे भी नहीं है, बट आंधी खतरनाक वाली। कैसा मज़ा आ रहा है कुमेल भाई मौसम का है? गाड़ी में बैठ चुके हैं, बारिश शुरू हो गई है बाहर, ये देखो अच्छा दिख नहीं रहा, शीशे में गंदा हो रहा है आगे से देख लो, लेकिन मौसम हो गया ख़राब, अब सोच रहे ऋषिकेश में जाए, मुजफ्फरनगर में करते हैं। आपको बिजली दिखाता हूँ कितनी खतरनाक कड़क रही है बाहर। तो गाइस फाइनली अभी हम मुजफ्फरनगर बाईपास से पहुंच चुके हैं रुस्तम भाई की कैंटीन में, वो बैठे रुस्तम भाई, शवाब अली भाई, इन्हें यहाँ से हम अंदर छोड़ देंगे। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आंधी तूफान भी ठीक ठाक आ रहा है, अभी बैठे हुए वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, बारिश वारिश हल्की हो जाएगी फिर आगे चलेंगे। यहाँ बिजली खतरनाक कड़क रही है भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है देख देख के,
मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जब दिल्ली से निकले थे जब तो मौसम ठीक था, इतना ख़राब नहीं था, लेकिन यहाँ आके तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो भाई बिजली कुछ कैप्चर हुई है और कुछ नहीं, वो मैं डाल दूँगा वीडियो में, बहुत खतरनाक खतरनाक ज़बरदस्त। अब यहाँ से चाय वाय पियेंगे जब निकलेंगे, इसे छोड़ के घर पर, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और आगे की तरफ, देखते हैं रास्ता कैसा मिलेगा। तो गाइस फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम, ये हमारे रुस्तम भाई हैं, इनसे मिलो। चलो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, जब भी मुजफ्फरनगर आते हैं हम चाय ज़रूर पी के जाते हैं यहाँ। मौसम अभी ख़राब ही हो रहा है, बिल्कुल बारिश हो रही है अभी भी, हल्की हल्की नहीं तेज़ भी हो रही है यार बारिश। तो चल रहे अभी यहाँ से शबाब को पहले छोड़ते हैं घर। गाड़ी धुल गई हमारी, पूरी गंदी हो रही थी गाड़ी, धुलवा के नहीं लाए थे घर से। चलो गाड़ी में बैठता हूँ, भाई शबाब को छोड़ दिया मुजफ्फरनगर, और अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पूरा। चल भाई शबाब फिर ध्यान रखे, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी। चल आएगा तो फिर दिल्ली हो के जाइए जब बाहर जाएगा। तो गाइस चल रहे अभी यहाँ से तो निकल लें। चलो चलो जी, चलो ठीक है भाई, चलो जी कुमैल भाई भगा लो गाड़ी जल्दी। हेलो गाइस, काफ़ी देर हो गई है हमें रास्ते में चलते चलते, और मेरठ से आगे से लेके अब तक पूरे रास्ते में बारिश ही बारिश निकली है, पूरा रास्ता हो गया है। और ऋषिकेश तो हम पहुंचने वाले हैं, देखो देखो ये दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते हैं, एक ऋषिकेश का और एक कहाँ का कुमेल, तुम हमेशा रास्ता भूल जाते हो क्या, का हमेशा पूछते हो यहाँ से। पूरा रास्ता हो गया, बारिश हो रही है लेकिन बारिश हल्की हो रही है, लेकिन रास्ते में तो बहुत ज़बरदस्त आंधी थी। तो अभी बस पहाड़ों पर हम चढ़ने वाले हैं ऊपर यहाँ से, लेकिन जो जिस वजह से पूरी रात हो गई ना मुझे जागते हुए, मैंने सोचा था आपको सुबह का सूरज दिखाऊंगा निकलता हुआ पहाड़ों में, लेकिन किस्मत ख़राब, सूरज ही नहीं निकल रहा आज। चलो देखते ऊपर जाके अगर कुछ दिखा सूरज थोड़ा बहुत, तो तुम्हें भी दिखा दूंगा, वरना भाई छोड़ो फिर नेक्स्ट टाइम। गाइस फाइनली हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं, कौन सी जगह है कुमेलिए, लक्ष्मण झूला दिखाता हूँ आपको, रसोली सॉरी राम झूला, ये वो वाली सीढ़ी है। तो भैया हालत खराब हो जाती है, उतरने में तो मजा आता है। और सबसे बेहतरीन जगह लगती है मुझे ऋषिकेश की, एक नंबर जगह ये स्पॉट है जहाँ पे मैं कम से कम बोला अपनी पब्लिक को दिखा तो दूँ। ये देखो लोकेशन देखो, इतना समझदार तो मैं भी हो गया। ओके ओ भाई साहब यार, ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं बहुत दुख देगी। बाज तो नीचे बैठने की जगह ही नहीं है भाई साहब, पानी बहुत है आज तो यहाँ। पानी इतना ज्यादा है आज गाइस, यहाँ हम पता कहाँ बैठते थे, नहीं है जगह लेकिन गीला हो रहा है। ये देखो आप, इसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला, ये है लक्ष्मण झूला। और ये लोकेशन बहुत जबरदस्त लगती है, लोकेशन इतनी प्यारी है। ये तो आ गए हम, और नीचे है बैठने की जगह मस्त एकदम। अरे यार रात होती काश, कितना मजा आता है यहाँ, रात का मजा ही अलग है यहाँ। और इधर जो है ना चकोर चांद दिखाई देता ऊपर बाउंड्री वाला कुमेल डुबकी मारेगा, तैरना आता है किसी को, मैं नीचे जा रहा हूँ, कोई आ रहा है नशेड़ी बहुत आते हैं।
भाई साहब बारिश हो रही है, देख लो यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। ये देखो लोकेशन, ये बैठने की जगह है पूरी, यहाँ बैठ सकते हो आराम से मस्त एकदम मजे में, चादर वादर बिस्तर लेके। पानी आज बहुत ऊपर है, मुझे डर लग रहा फोन में गिर जाए। उफ़ उफ़ भाई साहब बादल मतलब बहुत, ये देखो बहुत नीचे है बादल। गाइस अभी ना बारिश हो रही है ज्यादा देर रुक नहीं सकता मैं, कपड़े नहीं लाए, एक जोड़ी कपड़े लाया हूँ भीग जाऊंगा मैं, कुमैल की टी शर्ट मेरे टाइट आएगी। ये देखो गाइस तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ जाके वीडियो बना रहा हूँ देख लो पहले तुम। ओहो सबसे बेहतरीन लोकेशन है, आप पत्थरों पे बैठो, ये देख चेयर लगवा रखी है कुमैली वाली चेयर है ना वो, इस चेयर पे बैठ के फोटो खींच सकते हो आप बढ़िया आराम से। भाई मेरा फोटो खींच दो यहाँ बैठ के, मैं तो फोटो खिंचवा लूं है। गाइस बहुत सारी सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के आऊं, बहुत सारी थक गया नीचे से, बारिश अलग से हो रही है और पानी मतलब पूरा टॉप तक भर रहा पानी, साथ भूल गए मेरी तो, मैं तो गाड़ी में जाके बैठूंगा। बारिश हो रही है नीचे इसलिए बैठ नहीं सकते, बट रात को नीचे बैठने का साहब बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाएगा। तो गाय तब भी गाड़ी में बैठ गए फुल, साथ फुल है बढ़िया भाई। नंगा भाई, नंगा भाई ये देख लो, अभी हम ना दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, बारिश की वजह से हम गाड़ी से बाहर निकल नहीं पा रहे ज़्यादा देर। ये देखो पूरा गीला हो गया हूँ, क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉगिंग के चक्कर में यार, बात है। चलो फिर भी ब्लॉग तो बनाएंगे पूरा, लोकेशन दिखाता हूँ गाइज आपको, ये है ओशो गंगा धाम आश्रम, लेफ्ट साइड में जगह इधर, हाँ निकल जाएगी, पूरा इधर जंगल ही जंगल है, इधर कोई नहीं आता है। इधर एक आश्रम है ओशो का, वो मैं बताऊंगा ओशो कौन है, हैं सब बंद पड़ा इधर तो, सब कुछ इधर टूटा फूटा पड़ा, भी देखते जाके क्या मामला है यहाँ। ये देखो गाइस ये है ओशो आश्रम, पूरा मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बट अंदर ना कैमरा अलाउ नहीं कर रहे हैं, ब्यूटीफुल जगह है बहुत ही ज़बरदस्त, गहराई में जाके एंड में बिल्कुल। ये देखो गाइस इधर ना एक ओशो आश्रम है, इधर रेंट पे रूम्स वगैरह मिलते हैं, बट हमें रूम नहीं मिला क्योंकि सब फुल है यहाँ, और लोकेशन इतनी प्यारी, इधर मंदिर भी है तो आप यहाँ भी रूम देख सकते हो, आप ना रूम यहाँ भी देख सकते हो। लोकेशन देखो इधर, ये आश्रम की लोकेशन हो गई, सामने पहाड़ी पहाड़ और नीचे पूरा वहाँ गंगा जा रही है, बट इधर ना कैमरा अलाउ नहीं है उधर की साइड, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया उधर क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है, और ख़तरनाक कुत्ते भी हैं, तो वहाँ मुझे डर लग रहा है कुत्तों से यहाँ। गाइस इधर अभी हम एक लोकेशन करते हैं, ये देखो ज़बरदस्त लोकेशन, हवा चल रही मस्त एकदम, और हम जा रहे हैं दर्शन विहार से, थोड़ा सा जल्दी आ जाएगी वीडियो में।
पहाड़ों का मजा ही अलग है। अभी बीच में एक शेर भी आ गया था, मैंने पत्थर मार के भगाया उसे। धनोल्टी के रास्ते में एक लोकेशन मिली है बहुत प्यारी। गाड़ी तो अभी हमने इधर रोड पे लगा दी है। लोकेशन दिखाता हूँ, पहले आपको ऊपर से दिखा देता हूँ लोकेशन, फिर नीचे चलेंगे। और यहाँ एक कैफे था, ये टूट चुका है। ये देखो आप लोकेशन, इधर कैंपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। कुमेल कैंपिंग के लिए ज़बरदस्त लोकेशन है। अभी चलता हूँ नीचे। ओ भाई, इधर एक कुत्ता है, पहचान नहीं रहा मुझे। तो गाइस इधर आया हूँ मैं, जबरदस्त लोकेशन है कैंपिंग के लिए, बहुत जबरदस्त। यहाँ पर पानी चल रहा है बढ़िया। भाई साहब, दिल लगने वाली जगह है, जबरदस्त एकदम मजेदार। बस मेरा तो पानी में जाने को जी कर रहा है, रुको जरा पानी में जाता हूँ। आराम से, हाँ बट स्टिल पत्थर तो लग सकते हैं ना। क्या तूने जीन्स गीली कर ली अपनी? यार कह रहा है इधर। ओ भाई मेरी जीन्स तो गीली, अब तुम्हारी जीन्स चाहिए मुझे। जीन्स तो मैं लाया नहीं, लोअर लाया हूँ। हाँ तो लोअर चल जाएगा। मैंने ना ऐसी चीज ली ना ऐसा तेरे लिए, जो मैंने वीडियो बनाई है ना वो तो देख लियो। ये वाली लोकेशन गाइस देख लिया आपने, यहाँ हमने मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गए यहाँ। अब चल रहे दूसरी लोकेशन पर, पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद सीधा हम पहुँचेंगे धनोल्टी होटल, वहाँ ब्लॉग का एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करेंगे। अब कुछ भूख लग रही है भाई, जल्दी कोई कैफे वैफे देख लो, रुकते हैं फिर। गाइस अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, मेरा तो दिल घबरा रहा है भाई। देखो बहुत छोटा छोटे रास्ते हैं और इस तरीके से चढ़ाई है एकदम। ये देखो कितनी ऊंची ऊंची चढ़ाई है। गहराई देख लो कितनी ज्यादा भाई यार, गहराई भी बहुत है। तो
रास्ता भटक गए हम, गाड़ी बैक करवाई। ओहो आंख कुछ गिर गया, आंखों में लग रहा है। इतना खतरनाक रास्ता है, सुनसान बिल्कुल कोई नहीं है यहाँ। अभी अंकल जी ने बताया धनोल्टी का रास्ता आगे तक खराब है, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। बड़ा खतरा बैठ रहा हूँ यार, भाइयों को दिखा तो दूं लोकेशन। फाइनली बहुत देर बाद ना मैगी पॉइंट पे रुक गए हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। ये देखो कुमैल भाई कुत्ते को बिस्किट भी खिला रहे हैं, इसे भी तो भूख लग रही होगी जब हमें भूख लग सकती है। तो गाइस इधर और कुछ तो आइटम मिला नहीं खाने का, फिलहाल तो यहाँ सब जगह मैगी मैगी मिल रही है। अभी यहाँ से मैगी खा के निकलेंगे, ठीक है। अभी असल में हम ना रास्ता भटक गए थे, बहुत खतरनाक रास्ता था भाई, मुझे खिड़की से झाँकते हुए डर लग रहा था, इतनी गहराई थी, इतनी गहराई बहुत ज़्यादा। इसे कुमैल को गाड़ी चलाने में वहाँ मज़ा आ रहा था, मेरा तो हिसाब नहीं भाई। मैं फिर खैर वो जा रहे थे हम गलत रास्ते पे, उसके बाद क्या हुआ हम क्या नाम एक स्कूटी वाले भैया मिल गए, उन्होंने बता दिया, कहने भाई तुम गलत जा रहे हो धनोल्टी के लिए। अब उसने लाल पुल बताया, लाल पुल हो रहा सामने, इधर से धनोल्टी का रास्ता कट रहा है, और व्यू तो भाई कहीं का भी ले लो और जगह का तगड़ा है, तगड़ा व्यू एकदम। ये देख रहे हो मतलब जबरदस्त जगह भाई। और ये मैगी पॉइंट कौन सी लोकेशन पे है? लाल पुल पे ही है, और यहाँ बैठ के जबरदस्त, ये देखो पूरे गहराई में लगी मजा आ रहा है। हाँ भाई बोल, सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बोल दे, बोल नहीं रहा भाई है। चलो गाइस मैगी वैगी खा लेते हैं, फिर गर्म गर्म मैगी तैयार हो चुकी है, जल्दी से खत्म करते थे। गाइस सुबह से हम चले हुए हैं धनोल्टी के लिए, और अभी तक हम धनोल्टी नहीं पहुंचे, रास्ता भटक गया बहुत ज्यादा। कोई रास्ता नहीं भटके भाई, 60 किलोमीटर फालतू चल गए। ये देखो कितने खतरनाक रास्ते से लेके जा रहा है, पूरा रास्ता ऐसा है। मुझे तो देख देख के डर लग रहा था, इसलिए मैं तो अपना तकिया लगा के सो गया। अब आंख खुली है तो पता चला 15 किलोमीटर है यहाँ से विदन उल्टी। अभी भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी चल बाय कुमैल, मतलब लो होटल बुक कर दियो यार, ऐसा ना हो कि हमें खाली ना मिले। पर मैं यही कह रहा हूँ मुझे सोना है जाके है। हाँ नेटवर्क थोड़े बहुत। बहुत देर बाद पहुंच चुके हम धनोल्टी की वादियों में, गहराई ये दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ एक लोकेशन है बहुत अच्छी, और इधर मैगी वैगी सिगरेट का सब हिसाब है। गाड़ी बहुत तेज चल रही है इधर पहाड़ों में, जो पहाड़ी होते हैं ना साले, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं। बैठने की जगह देखो भाई, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल कुमार भाई। हम मोमोज खाएंगे थोड़े से। गाइस अपना ये लोकेशन देखो, पूरी जबरदस्त लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ज़बरदस्त। ये एक मंदिर है यहाँ, जय माता सुरकांडा, इधर देखो
व्यू बहुत जबरदस्त जबरदस्त व्यू। गाइस फाइनली थकार के हम अपने होटल पे पहुंच गए हैं। रूम दिखाता हूँ पहले तो आपको, अपना अपना ही होटल है कुमेल, पेपर घर भूल गए हम इसके। ये हमारा रूम है, ये वॉशरूम है और ये हमारे होटल की बालकनी है और यहाँ से व्यू देखो आप, जबरदस्त व्यू रहता है इधर से भाई। हमेशा जब भी हम धनोल्टी आते हैं इसी होटल को बुक करते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग का तो मैं यही एंड कर रहा हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा सोऊंगा। 3 बज गए हैं घर से निकले हुए, रात के निकले हुए हम, 11 बज गए घर से, 3 बज गए, जाएंगे सोएंगे अपना, थोड़ा आराम करेंगे, इसका दूसरा एपिसोड बनाते हैं ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इतने इस ब्लॉग के मज़े लो आप। बाय बाय।